नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं जीएस हैरी क्रिकेट न्यूज। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में आयोजित सीएफए की तरफ से दो टीमों के बीच टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जिसके ऑर्गेनाइजर पंकज मिश्रा और अमरजीत जी हैं। साथ ही हरियाणा टीम के कोच सूबे सिंह जी, जो अपनी टीम के साथ उनका उत्साह बढ़ाते हुए मैदान में नजर आए। साथ ही टीम के कप्तान आशीष भी पूरे जोश में नजर आए। सूबे जी ने बताया कि उनकी टीम के सभी खिलाड़ी बेहद मेहनती हैं और धुआंधार खिलाड़ी हैं। पत्रकार जीएस हैरी ने उनसे बात की और टीम की कुशल कार्यशैली को जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हमारे हरियाणा टीम के कोच साहब जो कि सूबे जी, जो कि हरियाणा को टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके साथ उनके कप्तान आशीष सामने आए और ये अपने आप में परफेक्ट खिलाड़ी हैं। और सूबे जी का भी अपना एक एक्सपीरियंस है, ना जाने कहाँ का ये टीमें ले जाते रहे हैं और हमें कई जगह मिले हैं ये। तो मैं सूबे जी से पूछूंगा, सूबे जी आप अपनी हरियाणा की टीम के बारे में थोड़ा विवरण दें कि किस तरह से आप सोच रहे हैं कि मैच को जीता जाए और किस तरह से टीम अच्छी आपकी बनी हुई है। टीम ये ब्लू बेल क्रिकेट अकेडमी और कैथल अकेडमी के बच्चे, कुरुक्षेत्र के बच्चे, पूरे हरियाणा से चुन के जो अच्छे बच्चे थे ट्रायल लेके टीम बनाई है। और ये बच्चे काफ़ी दिन से, बचपन से ही तकरीबन 6-7 साल की उम्र में लगे थे प्रैक्टिस करने। तकरीबन सभी अच्छे बच्चे खेलते हैं और दिल्ली के भी बच्चे कम नहीं हैं। मैच अभी दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा आपके सामने। कोच साहब, बच्चों ने मेहनत पूरी कर रखी है, बाकी बच्चों के माइंड पे बात है क्या करते हैं, मेहनत में कोई कसर नहीं। सुबह जी, आप इस सीएफए टूर्नामेंट से कब से जुड़े हुए हैं? ये 2008 से हमने ही शुरू की थी, मैं इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी। आप इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी? यस। तो आपका तो एक ओहदा है इसमें। यस। तो बढ़िया है कि आप लोग लगातार इस टूर्नामेंट से, आपको तो ज्यादा एक्सपीरियंस है इस टूर्नामेंट में। इस सीएफआई से आज कोई 150 बच्चा बीसीसीआई बोर्ड में खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट से, पिछले 2008 से लेकर यहाँ। नवदीप सैनी भी इसी से बने हैं और जो हैदराबाद से लड़का है वो मोहम्मद सिराज, क्या नाम है उनका? हाँ जी, मोहम्मद सिराज। हाँ, वो भी मनन भी खेल रहा, अजय दून, काफी बच्चे, अमित चौधरी, राहुल चौधरी, काफी बच्चे स्टेट खेल चुके हैं। स्टेट खेल चुके हैं तो उनको ये प्लेटफॉर्म कह सकते हो आप इनका? बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। बड़े बच्चे निकले हैं जो आज इंडिया के लिए भी खेल रहे हैं। तो आपकी ये जो तीनों भाई, अनमोल प्रीत है, जो पंजाब का ओपनर है, एक भाई उनका हैदराबाद में है, तीनों सगे भाई है, उसके ताऊ चाचे के लड़के हर्षदीप जो बॉलर है, वो सारे मेरे अंडर खेले हुए। आपके अंडर खेले? हाँ, इस सीएफआई में। सीएफए में एक लड़का शाहबाद से है, पीटीआई का है, वो हरियाणा से रणजी खेल गया, ऐसे आया था गाँव से, उसको किट भी हमने दिलवाई थी। तो आपके हरियाणा और देखिए जैसे पंजाब, चंडीगढ़ जो पहले जुड़ा हुआ था, मोहाली वगैरह सब इकट्ठे थे, आज चंडीगढ़ यूनिट अलग हो चुकी है। यस। जिसकी वजह से चंडीगढ़ के खिलाड़ियों को मौका पर्याप्त मिलने जा रहा है वो अलग से। उसमें लड़के रणजी में खेल रहे हैं, काफ़ी लड़के हैं, एक लड़का जींद से है और एक लड़का वहीं वो वन राउंड पे खेलता है, मनन भी खेल लिया इस टूर्नामेंट में, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि। आप आज ऊर्जा स्टेडियम के अंदर खड़े हैं और पटना के उस शहर के अंदर खड़े हैं जो राजधानी है हमारी बिहार की, बिहार के अंदर पहली बार ऐसा टूर्नामेंट हुआ है सीएफआई का, तो क्या समझते हैं ये टूर्नामेंट के लायक, ये पूरा पर्याप्त स्टेडियम है? बिल्कुल ओके ओके स्टेडियम, जो इन्हें बच्चों को रहने का खाने का स्टेडियम, मेन बच्चों को क्या है ड्रेस प्रोवाइड करवाई, स्पॉन्सर है, जो ये ग्राउंड है ये कहीं नहीं मिलता, ये कहीं कहीं मिलता है। क्योंकि बिहार वर्ड सुन के कभी कभी ऐसा लगता है कि एक जैसे कहते हैं कि क्रिकेट के क्षेत्र में कह लो, हर राजनीति में सबसे ऊपर है, बिल्कुल क्रिकेट के क्षेत्र में कितना आगे है ये तो सब जानते हैं। एक दो क्रिकेटर ऐसे हैं जो काफी 6-7 साल यहाँ से बिहार से रणजी कप्तान रहे हैं, जिसने ये प्रदीप भाई ने टूर्नामेंट कराया, उनके छोटे भाई है इंद्रजीत और दीप। हाँ, तो उनकी बदौलत आज ये, और जो ये सारा कुछ करने वाले हैं अमरजीत कुमार है जो पंचकुला से है, वो जनरल सेक्रेटरी है सीएफआई इंडिया के, वो बच्चों को काफ़ी गरीब बच्चे की हेल्प भी करते हैं, स्पॉन्सर भी करते हैं, जैसे अब हरियाणा टीम आई उनने बहुत हेल्प करी, उन्हीं की तरफ से आई है, स्पॉन्सर किया उन्हें। तो ये आशीष जी आप कप्तान के रूप में आए हैं, आप आशीष आप क्या करते हैं, क्या खेलते हैं, कितना खेले हैं? मैं स्टेट खेल रहा हूँ जी, हरियाणा हरियाणा स्टेट खेले हुए हैं।
आपके साथ जो आपकी टीम है उसमें कोई और स्टेट प्लेयर भी है या सभी अभी सीख रहे हैं या खेल रहे हैं? स्कूल और एकेडमी न्यू बच्चे हैं सभी। तो आपको बच्चों कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आके? आप घर से इतनी दूर आए हो चल के, किस तरह से सफर तय किया ये भी आपको पता है, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिहार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर 14-15-16 तारीख लगातार यहाँ पर इतना हैवी रश रहता है कि लगातार छुट्टियाँ मनाने के लिए लोग यहाँ आते हैं, वापस आते हैं, दिल्ली से अपने बिहार वापस आते हैं। और इस तरीके से जो है ये क्रिकेट हमें खेलने को मिल रहा है। आज हम यहाँ के सुकून महसूस कर रहे हैं, हम 4 दिन बाद वापस चले जाएंगे दिल्ली या हरियाणा या पंजाब, ठीक है? तो उसके अंदर आप क्या एक्सपीरियंस लेके जाएंगे? सर की बदौलत हमें रास्ते का पता लगाएंगे और यही आगे रास्ता देगा। ये आपके प्लेटफॉर्म लाने के लिए सूबे जी का बड़ा योगदान है, तो ठीक है ना। तो सूबे जी एक आप बताइए कि आपको जिया शहरी से क्या ताल्लुका था आपका? ताल्लुकात ये है कि पहली बार हम हैदराबाद में मिले थे सर को, हैरी जी को, और ये बच्चों को अच्छी क्रिकेट देते हैं। अच्छा मतलब एक क्रिकेट के लिए दिन रात एकेडमी भी चला रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लड़की भी इनके पास खेलते हैं, लड़के भी काफ़ी बच्चे इनने आगे निकाल दिए। तो वो तो बात सही है आपकी कि हमने इस हम भी CFA से आपके साथ सम्मुख आपके सामने खड़े हुए और मिले, आपसे एक दूसरे से परिचित हुए। तो शुरुआत में जो हरियाणा की बोली डिफरेंट होती है, बिहार की बोली डिफरेंट होती है, एक इस CFA से जुड़ने का मकसद हमारा ये है कि हम लोग सभी बोलियों को एक साथ कर लें, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है, एक दूसरे का साथ मिलता है। इंडिया की टीम जब बनती है तो उसमें भी आपने देखा कोई किस तरह से, कोई किस राज्य से आता है, कोई किस राज्य से आके एक परफेक्ट एक टीम बनती है। आप जो प्लेटफॉर्म खेलने आए हो यहाँ पर, क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने आए हो, उस टूर्नामेंट के तहत ही आपको अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि पहले हम सोचते रहे, जो पहली बार आता बच्चा सोचता है कि हम जा कर रहे हैं, जब यहाँ पहुँचता है तो उसे असलियत पता लगती है, वाकई क्रिकेट में कुछ ना कुछ तो है ऐसा जिसकी वजह से यहाँ पर क्रिकेट देखने को मिल रहा है। CFI का होता है क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये सबसे पुरानी मतलब 2008 के वक्त की ये बनी थी ये फेडरेशन, जिसके अंदर तमाम हमारे सांसद जुड़े और उसके बाद हमारे साथ मंत्री जुड़े और आज देखिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर तक भी आने को तैयार हैं। धीरे धीरे ये डेवलपमेंट पर चल रही है और यहाँ से कई खिलाड़ी सुबह जिन्हें बता ही दिया कि निकले हैं। तो हम भी कहते हैं कि हमने भी अपने दिल्ली राज्य से कई लड़के खिलाए हैं, जिनके अंदर गगन सोडी भी खेला हुआ है हमारे साथ, जो कि दिल्ली स्टेट खेला, उसके बाद गुलजार भी खेला, तो वो भी दिल्ली स्टेट खेला, ऐसी बात नहीं है। और अगर मैं अपने यहाँ दिल्ली की टीम की बात करता हूँ, ये नए बच्चे आए हुए हैं सारे मेरे दिल्ली से, जो कि पहली बार यहाँ पहुँचे हैं। सिर्फ आर्नव को पता है, थोड़ा सा हैदराबाद गया था, बाकी उसके बाद जो आज कप्तान का भी रूप लेकर आए हैं आशीष और आर्नव, दोनों डबल ए की भूमिका निभा रहे हैं, तो ये बहुत प्लस पॉइंट है। तो डबल ए, डबल एस मशहूर हुआ था और एक डबल ए आज से, ठीक है? तो इस तरह के अगर मैं आपको असलियत बताऊं अपने बारे में थोड़ा सा, कि डबल ए का मतलब था कि हमारे लिए बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार से एक लड़का अभिषेक रमन, जो कि दिल्ली आके रहने लगे थे और उसके बाद वो हैरी क्रिकेट में ज्वाइन किया जब वो 4th क्लास में थे, उसके बाद वो आज बंगाल रणजी ट्रॉफी के ओपनर हैं, ठीक है? उसके बाद अभिमन्यु ईश्वरन, जिसका आपने नाम सुना होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ क्रिकेटर में, उसका नाम भी अभिमन्यु है, वो भी डबल ए मैंने प्रोवाइड कर रखे थे, दोनों को बंगाल शिफ्ट किया था, उसके बाद ये बंगाल रणजी ट्रॉफी का कैप्टन बना और आज इंडिया के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से मेहनत बच्चे की कहाँ से कहाँ ले जाती है कुछ नहीं पता, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ता है, एक्सपीरियंस गेन करो और पॉजिटिव वे में चलो। जो आपको तकलीफ हो वो अपने कोचेज से बात कीजिए, दिमाग से बात कीजिए, मतलब अपने आपस में कोई ऐसी बातें ना किए जिससे क्रिकेट आपको प्रभावित करे, नुकसान करे। क्रिकेट की बात फोकस कीजिए, जीतना कैसे है, खेलना कैसे है, बढ़ना कैसे है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर हमें देखने को मिलनी चाहिए। और जो बेस्ट करता है उसके लिए यहाँ तमाम मीडिया खड़ी है, तमाम लोग पड़े हैं जो आपको देखकर आपका नाम कहीं ना कहीं उछालते रहेंगे, चाहे अंपायर्स भी हों हमारे लिए, चाहे ग्राउंडमैन हो, चाहे पब्लिक हो और चाहे हमारे कोचिज हों। तो ये सब चीज़ें आपको प्लेटफॉर्म से देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप पॉजिटिव वे में दोनों टीमें आपस में खेलें, आपस में भाईचारा होता है। अभी आपने IPL देखा लेटेस्ट, इस IPL के अंदर क्या देखा आपने कि हार्दिक पांडे और कुणाल पांडे आपस में आमने सामने हो रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, जबकि एक ही टीम से खेलते हैं। और आज IPL ने उन्हें अलग अलग कर दिया, इरफान पठान यूसुफ पठान अलग अलग कर दिया, राइट? तो इस तरीके से क्रिकेट आपको अपने लिए सेल्फ इंडिविजुअलिटी गेम बनाता है, मेंटल लेवल हाई करता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है, स्ट्रेस दूर करता है, फिजिकल एक्टिविटी देता है, ये सब चीज़ें क्रिकेट से मिलती हैं, स्पोर्ट्स कोई भी हो, पर उसे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ खेलना
स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट के साथ खेलना। बेस्ट ऑफ लक फॉर बोथ टीम्स। और सुबह जी आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।